तो यहाँ भिडियो पो बनाएको त आज हम जा रहे हैं राशन लेने। ये देखो मेरा लाल भैया कहीं नहीं बेचता है हमारा गांव 29 मैल का ऐसा हुआ है। और ये देखो यहाँ गांव का लोग, ये सब मजदूर है। ये चाहिए छैन रहे बिचारा, गरीब भैर हम लोग भी गरीबी है क्या करें। ये देखो दो जोर जेसीबी ये देखो लाइट का लाइनमैन जा रहा है अभी अभी थोड़ी देर में आप लोगों में कुखरा दुकान भी देखा सकती हूँ मंजिल का दुकान मंजिल का ये देखो यहाँ पर ही सामने खोला नदी है। अभी हम लोग राशन लेने जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग हमारा गांव का हालत सुनसान है। अभी गाड़ी भी नहीं चल रहा है। हाँ ये पेमा लामा का घर है वो अभी बेंगलोर में है फिलहाल में ब्राचेहरूको लाउनुपर्छ अलिक टाइट काट्नुपर्छ नि सब सुक चुकाए मेन यस्तो भएछ नि त देखो उधर जंगल है उनकी स्मेल अभी रास्ता बन के वजह से देखो सब दुकान भी सूख चुका है इधर का गाड़ी नहीं चल रहा है ना तो दुकान लोग भी नहीं चल रहा है देखो नदी देख लो गाइस हमारा गांव का हालत क्या हुआ है। वो तीनों जा रहा है राशन लेने गाड़ी नहीं है हम लोग दुई खुट्टे गाड़ी में जा रहा है पैदल पैदल। अभी देखो गाइस हम लोग ये मेरे सिस्टर और हम लोग जा रहे हैं तो अभी एक गाड़ी आ गया नज़ारा देख सकते हैं आप लोग गाड़ी का इंद्रवाजे भी है ये सब राशन लेके आया होगा शायद हम लोगों का लेके नहीं गया ये लोग बहुत वो है क्या बोलता है इसको इन लोगों को मुझे हिंदी तो आता है थोड़ा वक्त इसका इसका काला काला फिला दिखा के जा रहा है वो। अभी हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ भी इतना धूप भी लग चुका है देखो पैदल जाना पड़ रहा है हम लोगों को गाड़ी नहीं यहाँ मिल रहा है रास्ता बंद के वजह से। घर में रहना तो चाहिए थे फिर क्या करें खाना तो पड़ेगा तो इसलिए जाना पड़ता है। राशन भी ख़त्म हो गया है देने भी नहीं चाहता था वो लोग फिर बुलाया लेके आओ जाओ फिर आ जाओ फिर क्या बोल रहा है 2 बजे तक दूंगी नहीं तो नहीं तो इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ा। जल्दी आओ वो आ रहा है आराम से बात करके करके आ रहा है वो हमको तो जाना है जल्दी।
ये देखो हमारा बोझ, मैंने भेद मिल बीत गया बोझ को, देखो बोझ नहीं चल सकता क्योंकि उसको बीमार है ना बोझो। प्रीति आते आराम हे प्रीति यहाँ तो कुछ झोला ले मोक्सु ये आराम से आ रहा है ना, तो इसलिए मैं ही मांग रहा हूँ, क्या पता मैं जल्दी पहुँच जाऊँ मेरा सफर तक। ये देखो मेरा हैंड, ये देखो मेरा हैंड बैग सुंदर है ना, मैंने ये 10 करोड़ में लिया हूँ, इतना इतना मैंने पैसे जगह जगह के करके लिया हूँ, देखो देख सकते हैं आप मेरा 10 करोड़ का बैग, आज तक मैंने 10 करोड़ देखा भी नहीं हूँ गाइस, ऐसे मजाक कर रही हूँ। उधर देख रहे हैं ना, वहीं पर जा रहे हैं हम राशन लेने, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहीं पर जा रहे हैं हम, उसको उधर हर टर्निंग है ना वहाँ पर, वो टर्निंग काट के जाना पड़ता है, उसके पीछे है हमारा जाना वो। कति में किनेको झोला दामी छ, हैंड बैग देखा सब तो अच्छा अच्छा है, इधर ये बड़ी मासी का भी हैंड बैग अच्छा है, ये काकी का भी, सबका हैंड बैग है। थोड़ा सा पानी आ रहा है उधर देखो, गाड़ी भी एक दो आ रहा है गाइस, इम्पी बाजूला लानो, देखो अभी दादा लेके जा रहा है बोझ को, नानी को, नानी को लेके जा रहा है, देखो कितना जल्दी को, चलो 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 इम्पी मामा चलो जल्दी, नानी चढ़ गया, बाय बाय इम्पी बाजू, बाय 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 अन्ना, चलो ये बीमारी है ना तो इसके लेके जा रहा है दादा, चलो इम्पी तो अब पहुँच जाएंगे वो जल्दी, मतलब पुल नज़दीक आ रहा है, थोड़ा पहुँचा तो नहीं है अभी तक, हम लोग पहुँचा तो नहीं, देखो यहाँ पर पुल है ये, और इधर NHPC का वो टनल बन रहा है, तो देखो पहले का बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ की वजह से देख सकते हैं सब घर सब नीचे पड़ा है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको, देखो सब घर नीचे दब गया है, उस दिन बाढ़ आया था ना उसकी वजह से ये सब हो रहा है, देखो दब गया है घर, गौर से ऐसी ना, इधर नदी भी है, ये खोला भी बड़ा था उसमें, टनल बन रहा है यहाँ पर देखो फुल्ली फाइनल, मंजिल भी आया, ये मंजिल का गाड़ी है, मुजिल का यहाँ चाहिए लफड़ा लगे आगे आगे पसिना बना, अब ये गरम में सबको देखो राशन लेने के लिए हम थक रहे, ये देखो थक चुका है ये लोग, यहाँ मंदिर भी खै हम बड़ी ला जला पकड़ी तो